इधर इंदौर से खबर मिल रही है, इंदौर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। दरअसल बीमार दिव्यांग युवती की मौत हो गई है सदमे की वजह से। परिजन ने पड़ोसी पर आरोप लगाए हैं, ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव डाला गया, धर्म नहीं अपनाया तो घर में अंडे फेंके गए। विजयनगर थाना क्षेत्र के सोलंकी नगर का यह मामला है, जहां पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। इंदौर का यह मामला है धर्म परिवर्तन का, जहां परिजन ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि धर्म नहीं अपनाया तो उनके घर पर हमला किया गया, घर में अंडे फेंके गए। विजयनगर थाना क्षेत्र पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोशिश करेंगे हम और जानकारी लें इस खबर पर, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे इंदौर से और हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है, बीते पखवाड़े भी इस तरह का एक मामला इंदौर से सामने आया था धर्म परिवर्तन को लेकर। हम रुक करेंगे अखिलेश सेन हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, क्या कहना है परिजन का और पुलिस ने अभी क्या किया कार्रवाई? बिल्कुल दीपक, ये पूरा मामला है ये 2 दिन पुराना है। बताया जा रहा है कि जो पीड़ित है, पीड़ित पक्ष है, वो विजयनगर थाने पर पहले शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं पर उनकी सुनवाई नहीं की गई थी। लगातार उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का जो दबाव है वो आरोपियों के द्वारा बनाया जा रहा था, और इसी संबंध में जब परिवार बाहर गया हुआ था तो जो उनकी विकलांग जो दिव्यांग जो बेटी है वो घर पर मौजूद थी, और उसी दौरान जो धर्म परिवर्तन करवाने वाले जो लोग थे वो वहां पर पहुंचे थे, और उसके बाद जो युवती है उसको धमकाया है, तो कहीं ना कहीं पर इसी डर के कारण जो युवती है उसकी मौत हो गई, ऐसा परिवार का कहना पड़ रहा है। तो बताया जा रहा है कि विजयनगर पुलिस ने पूरे मामले पर अब धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। रेखा यादव की शिकायत पर पुलिस ने यह प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें दशरथ टोनेरे और रेखा टोनेरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है, और पहला मामला नहीं है जो धर्म परिवर्तन का इंदौर से निकलकर सामने आया। उससे पहले भी जो छिपरा थाना क्षेत्र में एक आदिवासी परिवार के ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया था, और उनके ऊपर पानी डालकर ये कह दिया गया था कि अब आज से तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो गया और आज से आप क्रिश्चियन हो। तो उसके बाद भी पुलिस ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया था और शिकायत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी ये देखने लायक भी है। दीपक, बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए अखिलेश इस खबर पर। इधर